अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे घर के करीब में ये है फुटबॉल ग्राउंड, और ये देखें यहाँ कुछ एक्टिविटी हो रही है। ऊपर मैं इसलिए नहीं जा रही कि बहुत ज़्यादा सामना हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों की भीड़ जमा है, तो बस यहीं से आप इंजॉय कीजिए। साहब जो है ना गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनको हो रही है बेचैनी, और जा रहा है नीचे धाम। एक्चुअली हम आए हुए हैं डॉक्टर के पास और यहाँ वेट कर रहे हैं, और मतलब देखा दिल नहीं लगता ना मम्मा के बगैर ना डैडी के बगैर। दिखाएं क्या है आपके हाथ में? ये इस तरह से सारे सिक्के जमा करता रहता है, फकीरों को देता रहता है। तो बस जनाब अभी थोड़ी देर के बाद हम जाएंगे इम्तियाज़, वहाँ से मुझे करनी है कुछ ग्रॉसरी नाइजीरिया के लिए, और थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए मुझे घर के लिए। व्हाट इज दिस? दिस इज ट्री। आर यू श्योर? डैडी आपको दिखाएं क्या लिया आपने? और मुदब्बे के पाकिस्तान आने के बाद जो है हर कोई आकर उसको ये पकड़ा देता है, और फाइनली मैं ये बाइक कर लेती हूँ कि चलें मुदब्बे यहाँ, ये तो एंजॉय कर रहे हैं। और इस हाथ पे हैं इनके कॉइन्स, दिखाइएगा, शो मी योर कॉइन्स, ये देखिए। और यहाँ जितने भी लोग आते हैं ये उनको जो है सबसे पहले अपने कॉइन्स ऑफर करते हैं। कल जो है इन्होंने तकरीबन आई थिंक 70 to 90 रुपीज़ के अराउंड इनके पास कॉइन्स थे, और इन्होंने एक को दे दिया था, वो बड़ा खुश हुई थी। और आज भी इनका यही काम है कि जो आता है उसको सबसे पहले अपने कॉइन्स ऑफर कर देते हैं कि आप पहले कॉइन्स ले लें। और आई थिंक सो इट्स अ गुड हैबिट फॉर द चैरिटी बाय डूइंग योर बेबीज, एंड आई विल प्रिफर इट कि यू कैन टेल देम हाउ टू डू इट, बट लेट देम नो के व्हाट टू डू एंड टू होम दे हैव टू गिव। तो जनाब हम कर रहे हैं इंजॉय चाय को, और मदरसे जो है बाहर बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मुदब्बे बिल्कुल कंट्रोल नहीं आ रहे थे, वो बाबर रूट की तरफ भाग रहे थे। मुदब्बे जनाब शॉपिंग हमारी हो गई, तो उसके बाद हम चले गए थे कराची फूड, और वहां से लिया हमने बिरयानी और हलीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग जो कि मैंने की है इम्तियाज से, ज़्यादातर नाइजीरिया के लिए, यहाँ के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैंने इम्तियाज से लिए थे ये टॉवल्स, जिसमें से 2 बार टॉवल और एक जो है वो फेस टॉवल है, और जिन इसके अलावा मैंने लिए हैं मदरसे के कुछ सॉक्स और मदरसे की अंडर वेस्ट, और साथ में मैंने लिए हैं उनके हैंड कीज, क्योंकि गर्मी की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। ये साथ में मैंने लिए हैं मदब्बे के लिए लैक्टोग्रोथ 3 का दूध, इसके अलावा वो कोई पीता नहीं है, अदरवाइज मैं उसे एप्टामेल पे शिफ्ट करना चाह रही थी। और ये मैंने लिए, ये दूध तो यहीं पाकिस्तान के लिए ही है, यहाँ पिएगा अभी वो, लेकिन ये जो टॉफ़ीज़ हैं ये भाई वहाँ नहीं मिलती हैं, ख़ासतौर पर चूरन चटनी वगैरह, तो ये मैंने कुछ 5 पैकेट जो है लिए हैं टॉफ़ीज़ के, इमली टॉफ़ी, चूरन चटनी, पान पसंद, फांटा, और ये बहुत स्पेशल, मुझे बहुत पसंद है ये दूध में डाल के पका के खाने के लिए, ये वहाँ बिल्कुल नहीं मिलती है। तो इतफाकन मेरी लिस्ट में नहीं थी, फिर भी मुझे नज़र आ गई तो मैंने फ़ौरन बाई कर ली। साथ में मुदब्बे के फीडर धोने के लिए ये अभी मैंने बाई किया है अभी के लिए, वहाँ मेरे पास मौजूद है। जामे शीरी वहाँ आता है, इंडिया से आता है, लेकिन उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, हमें नहीं लगता, तो ये साथ में मैंने 1 लीटर के लिए, ताकि रमज़ान के अंदर ख़ासतौर पर जो है मुदसर पीते हैं, मैं नहीं पीती इतना। साथ में मैंने लिया है ये बिरयानी का मसाले का पैकेट, चाट मसाले लिए हैं मैंने नेशनल के, और इसके अलावा मुझे मिले थे ये शान के, इजी कुक नहीं था इसलिए मैंने 3 पैकेट्स वो ले लिए थे, और 2 पैकेट मैंने ले लिए थे नेशनल के हलीम बनाने के, यानी इस तरह से 5 पैकेट्स। और साथ में मैंने लिया था वहाँ गर्म मसाला, वहाँ पे भी गर्म मसाला आता है लेकिन इतना अच्छा नहीं आता, और मैं हमेशा मिस करती हूँ गर्म मसाले को, तो इसलिए मैंने 1 पैकेट यहाँ से ले लिया था। और साथ में मैंने लिए हैं रसमलाई के पैकेट्स, जो कि डिफरेंट फ्लेवर में, गुलाब जामुन है, खीर है, खीर बहुत सारे पैकेट्स, खीर जो है बहुत इजी टू कुक होती है, कोई भी मेहमान आए तो बहुत इजीली बना लेते हैं। और एक मैंने लिए ये ग्रीन इलायची, जो कि मेरी रेगुलर यूज़ में है कहवे वगैरह में, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। इसके अलावा मैंने लिए ज़ीरा प्लस का बिस्किट, ये मुदस्सिर ने यहीं खाना है, उन्हें बहुत पसंद है। इसके अलावा ये मैंने अपने लिए लिए थे शाही डिलक्स, जो वहाँ बिल्कुल नहीं मिलते। साथ में आप देख सकते हैं लॉट्स ऑफ द ग्रीन टीज, एक तो वहाँ ग्रीन टी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है पर मंथ के हिसाब से हमारी, और दूसरा ये है कि ग्रीन टी भी मेरी एक रेगुलर यूज़ में है ड्यू टू द वेट लॉस, तो इसलिए मैंने जो है तमाम ही ग्रीन टी काफ़ी सारी बाय कर ली थी।
यहाँ तक कि ये खुली में भी मौजूद थी एक ग्रीन टी, तो मैंने वो भी बाय कर ली थी। अब मैं मुझे ऐसा लग रहा है मेरा वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चलें फिर इसको मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। साथ में मैंने ये बाय किया था नाइजीरिया के लिए ऑरेंज कलर्स, वहाँ आते हैं लेकिन वो इतने अच्छे नहीं होते, उनमें एक कड़वाहट होती है और मुझे वो नहीं पसंद। और ये मैंने बाय किया था ये ज़ाफ़रान के जो होते हैं वो, स्पेशली मैंने बाय किया ये मुदब्बिर के लिए। मुदब्बिर को मैं कोशिश करती हूँ तमाम हेल्दी चीज़ें अभी से देना शुरू करूँ, चाहे वो सस्ती हो या महंगी, मैं इस बात की फ़िक्र नहीं करती। और यहाँ इसके लिए लिया था एक अच्छा सा टूथ ब्रश, ये यहीं करेगा, मैं यहीं छोड़ के चले जाऊँगी उसके लिए, क्योंकि इसका मैं ब्रश नहीं लेकर आई थी। नॉर्मली ऐसा होता है कि आपको फ़्लाइट वगैरह में मिल जाता है, तो इसलिए मैं वहाँ से नहीं लाई थी, लेकिन मैंने यहाँ के बाय कर लिया। और दिस वन ये मुझे बहुत पसंद है, बिस्कुनी का है आई थिंक सो, कोकोनट बिस्किट जो भी है, और दैट्स वाई आई बॉट इट फॉर मी। और इस बार मैंने मुझे और मदरसे को दोनों को ही ट्राई करना था नेस्ले का योगर्ट, जो कि वहाँ बिल्कुल अवेलेबल नहीं होता। मदरसे ने मुझे बताया था कि बहुत ज़बरदस्त होता है, तो इसलिए मैंने ज़रूर बाई किया कि मैं और मदरसे ज़रूर उसको इन्जॉय करेंगे। फ्लेवर्ड भी थे लेकिन मदरसे की वजह से मैंने सिंपल ही लिया, मुझे नहीं पता वो फ्लेवर्ड खाएंगे या नहीं। और साथ में मेरा बेटा हो गया बड़ा, लेकिन उसके लिए ये मैंने फीडर्स की निपल ली है। आप लोग कहेंगे ग्लास से भी पी सकता है, जी बिल्कुल ग्लास से वो पी भी लेता है, दूध नहीं पीता, पानी वगैरह पी लेता है, लेकिन मैं उसको ग्लास से नहीं देती, क्योंकि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हो तो ईजी होता है कि आप उसको फीडर में डालो, बच्चा कहीं गिराता नहीं, आपके कपड़े गंदे नहीं होते। और साथ ही मैंने ये बाई की है खुबानी ड्राई फ्रूट्स, ये भी मैंने बाई किया मुदब्बिर के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एवरी हेल्दी मील इज फॉर हिम, इधर इज इट एक्सपेंसिव और द चीप प्राइस। साथ ही मैंने कुछ ये लीवर मसाले के पैकेट्स लिए हैं, मैंने बहुत ज्यादा मसाले नहीं लिए, पुलाव बिरयानी मसाला लिया है, बॉम्बे बिरयानी के एक और पैकेट लिया हुआ है, इसके साथ ही लिया है कढ़ाई मसाला, कीमा मसाला आई थिंक एक ही लिया होगा, गर्म मसाले के मैंने दो लिए थे पैकेट्स, और एक मैंने ये लिया है कोफ्ता मसाला, साथ में वही चाट मसाले का पैकेट, और ये साथ में एक ग्रीन टी एक और साथ ही मैंने ये बाई की है किशमिश, वो भी मुदब्बिर के लिए ही है, वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। और ये एक और खुबानी का पैकेट है, मैंने हाफ हाफ के जी करवा लिया था। और साथ में मैंने ली है ये मसाले वाली पीनट्स, जो कि यहीं अवेलेबल होती हैं, तो मैंने अपने लिए ली है। इसके अलावा ये तिल के लड्डू मुझे बहुत पसंद है, तो मैं यहीं इंशाल्लाह ख़त्म कर लूँगी। और इसी तरह से मैंने ये तिल की जो बनी होती है वो ली है, और ये भी मसाले ही का पैकेट है। साथ में ये वहाँ कभी कभार अवेलेबल होता है लेकिन इतना मज़े का नहीं होता, तो दैट्स वाई आई बॉट इट फ्रॉम देयर जस्ट टू ईट इट देयर। दीज आर द थिंग्स दैट इंशाल्लाह वी विल कंज्यूम इट हेयर इन अ होल मंथ। और चलिए मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्ती चीज़ दिखाती हूँ, आप सोचेंगे कि बड़े पुराने ज़माने के लोग लिए लिया करते थे, लेकिन हाँ जी मैंने भी बाई की है, क्योंकि मैं हम वहाँ पर फ्रेश मिल्क यूज़ करते हैं जो कि बिल्कुल खालिस आता है, और वो आते हैं बॉटल्स में, तो उनकी बॉटल्स को यूज़ करने से बेहतर है कि मैंने सोचा कि हम यूज़ करेंगे ये, तो इसलिए मैंने बाई किए थे ये दो। और बाकी रिमेनिंग चीज़ें भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। खाली हैं कुछ मेडिसिन जिसमें शामिल है आर्टम, जो कि है मलेरिया की मेडिसिन, फ्लावर मुदब्बे के लिए जिंक डे ब्रामर सक्सपेन, राइजेक है मदरसे के लिए, ये है मेरे लिए फ्लावर है बेटनोवेट, और ये है डॉलर सीरप फीवर का, उसके अलावा ली है पेनाडॉल, और लाइलेक एक ये ली है एंटामाइजोल, साथ में लिए डिस्प्रीन फॉलिक एसिड एसीफाइल चेस्टरप, और ये एंट्रोजीना।